तुला राशि वालों, 10 फरवरी शनिवार का दिन धनिष्ठा नक्षत्र का मंगल और सद्विशा नक्षत्र का राहु आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण हुआ है जो आपकी कुंडली के सुख भाव पर इस समय चल रहा है, जिसमें मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बुध का गोचर है जो आपके जीवन में अपार सुख, खुशी और सौभाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। वहीं आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है। लग्नेश शुक्र भाग्य स्थान पर अपनी दृष्टि डाल रहा है और आपकी कुंडली के सप्तम भाव में बृहस्पति का गोचर जो आपके लग्न को प्रभावित कर रहा है, यानी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहा है। दिन आपके लिए भाग्य को जगाने वाला, खुशी, उन्नति, तरक्की, सुख का सुंदर योग बना रहा है। बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी की प्राप्ति होगी, लेकिन 10:02 के बाद जब चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में शनि के साथ गोचर करेगा, उस समय विष नामक योग बनेगा जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसकी सावधानी हम आपको बता रहे हैं, आप अवश्य उस सावधानी को कीजिएगा, आपकी सारी बाधा खत्म हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए शुभ दिन है, सौभाग्यशाली दिन है, लेकिन अपने मन पर थोड़ा काबू रखें, अपने जीवन में उत्तेजित ना हो, धैर्य से काम करें, सोच समझकर काम करें, क्योंकि आज से आपका भाग्योदय आरंभ हो चुका है। क्योंकि आज ये माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आपकी कुंडली का भाग्य भाव लग्नेश से प्रभावित हो गया है, जबकि धन का स्वामी मंगल, भाग्य के स्वामी बुध और लाभ के स्वामी सूर्य के साथ आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहा है। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शोभे सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। 10 फरवरी शनिवार का दिन माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और आपका भाग्य आज से उदय हो चुका है। भाग्योदय का शुभ संयोग सुबह 5:21 ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ हो चुका है। धनिष्ठा नक्षत्र रात 8:34 तक, उसके बाद सद्विशा नक्षत्र का उदय होगा। वरियान नाम का योग 2:54 तक, उसके बाद परिघ योग आरंभ होगा। धनिष्ठा नक्षत्र का मंगल जो इस समय आपकी कुंडली में चतुर्ग्रही राजयोग का निर्माण कर रहा है, मंगल के साथ सूर्य, बुध और चंद्रमा की युक्ति है। चार तरह का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। बुद्धादित्य राजयोग बुध सूर्य के प्रभाव से, आदित्य मंगल योग मंगल सूर्य के प्रभाव से, चंद्रमा मंगल के साथ महालक्ष्मी योग और चतुर्ग्रही राजयोग बुध चंद्रमा मंगल और सूर्य के प्रभाव से, यानी आपका भाग्योदय आरंभ हो गया है। अच्छे समय की शुरुआत आरंभ हो गई है, कदम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, भाग्य का सितारा बुलंद हो जाएगा और आपके जीवन में हर काम आपके सफल हो जाएंगे। कोई बड़ी खुशी आने वाली है, कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, आपके कष्टों का अंत होने वाला है। सब कुछ आपके जीवन में अच्छा चल रहा है, लेकिन 10:02 के बाद जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करके शनि के साथ गोचर करेगा, उस दौरान आपके लिए विष योग का निर्माण होगा। आपको बच के रहना है। चंद्रमा और शनि का जो प्रभाव है, इससे थोड़ा बचकर रहना है। तो आपको आप करना क्या क्या है, आपको अपने धैर्य को बनाकर रखना है। आज किसी भी बात पर जल्दी उत्तेजित नहीं होना है, सोच समझकर सारे काम को करना है। आपके मन में थोड़ा उथल पुथल मचेगा, पर घबराना नहीं है। हम जो बता रहे हैं, हमारी बातों को आप ध्यान से सुने, जो कर रहे हैं वैसा ही करें,
निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा, निश्चित ही आपके कदम तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और आप माने या ना माने 25 दिन के अंदर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है। इस समय कुंडली में जो चंद्रमा है वो आपके मन को प्रभावित कर रहा है। जब तक के चंद्रमा मंगल के साथ है सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे शनि के साथ चंद्रमा का गोचर होगा आपकी जीवन में थोड़ी उतार चढ़ाव आरंभ हो जाएगी, मन आपका थोड़ा विचलित हो जाएगा, चिंता अपने भविष्य को लेकर आ जाएगी, पर आपको घबराना नहीं है। आज आप हनुमान जी का दर्शन कर लें, हनुमान जी को पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर चढ़ा दें, आपके सारे बाधा दूर हो जाएंगे, जीवन में आने वाली हर समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय इतना सुंदर योग बन रहा है। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि मंगल जो है धनेश असतमेश को प्रभावित कर रहा है, जबकि राहु शनि के धन भाव में बैठा है, अचानक से धन दे देगा, अचानक से नौकरी लग जाएगी, अचानक से आपके अधिकार क्षेत्र में तरक्की हो जाएगा, अचानक ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, बड़े बदलाव अचानक आपके जीवन में होगा। समय आपके लिए बड़े बदलाव के दौर से चल रहा है। इस दौरान जीवन में हर काम को मेहनत से करना सीखें, नौकरी भी मिलेगी, किस्मत भी बदलेगा, स्थिति भी आपके अच्छे हो जाएंगे और कोई बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त होगा और मनचाहा काम तो निश्चित ही आपके पूरे होंगे, क्योंकि शुक्र इस समय बेहतर स्थिति में है, केतु और राहु के केंद्र में बैठ गया है, यानी जीवन का सुख तो आपको मिलकर रहेगा। आज आप सच्चे प्रेमी बनेंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, पर किसी पर विश्वास ना करें, अपने भुजाओं की शक्ति से अपने कार्य को करें, बेहतर परिणाम मिलेगा, खुशी भी मिलेगी, सुख भी मिलेगा, परिस्थिति आपकी बदलेगी और जीवन में बड़ी उपलब्धि, आप बड़े किस्मत वाले आप होंगे। ऐसा योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है। जो बेरोजगार हैं, जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपकी कोशिश सफल हो जाएगी, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आज जिस समस्या से आप परेशान हैं, आने वाले 25 दिनों के बाद जीवन में अचानक इतना बदलाव होगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट हैं, अपने जीवन में बड़ा करने के बारे में सोचें, मेहनत करते जाएं, सफलता आपका इंतजार कर रहा है, कोई अच्छी खबर आप भी सुनेंगे। और नौकरी करने वालों के जीवन में थोड़ा मन को शांत रखें, शांति से काम करें, सफलता भी मिलेगी, धन कमाने का अवसर भी मिलेगा और काम काज भी आपके अच्छे चलेंगे, जीवन बड़ा खुशहाल हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ जाएगी और कार्य की प्रशंसा भी प्राप्त होगी। लेकिन विष योग में थोड़ा बचकर रहना है, हनुमान जी का दर्शन करना ही है, तभी जीवन में सफलता आपको प्राप्त होगी। जो बिजनेसमैन है, आज आपको अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा, भविष्य में जाकर यही लोग आपकी मदद भी करेंगे और आपको सही दिशा भी देंगे जीवन का, यानी हर काम को प्लानिंग से करें, सोच समझ कर करें, किस्मत अच्छी है, धन कमाने का अवसर मिलेगा, मुनाफा अवश्य आपकी जीवन में होगा, आनंद आप महसूस करेंगे। आज का दिन आपके लिए जीवन की कठिनाइयों से मुकाबला कर जीत हासिल करने का दिन है, विजय का पताका चारों ओर लहराएगा, यश कीर्ति आपका बढ़ेगा, अशुभ प्रभाव आपके नष्ट हो जाएंगे, सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सत्विशा नक्षत्र का राहु शनि के धन भाव में बैठा है, बुध के पराक्रम भाव में बैठा है और शुक्र के सुख स्थान में बैठा है, कुछ ना कुछ देकर अवश्य जाएगा। वहीं बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है, आपकी कुंडली के सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है, आपकी कुंडली के लग्न को प्रभावित कर रहा है, यानी आपका व्यक्तित्व निखरेगा, बहुत निखरेगा, प्रबल संभावना है कि आपके जीवन में कुछ अच्छे काम हो जाए, अपने शक्ति से शत्रु को पराजित करने में आप सफल हो जाएंगे, संतुष्टि भी मिलेगी, समृद्धि भी होगा, बड़ी उपलब्धि भी हासिल करेंगे, जीवन आपका सफल होगा, सुख सौभाग्य से जीवन सुख
संपत्ति को बढ़ाएगा। यानी आज का दिन आपके लिए अत्यंत उत्तम फल की प्राप्ति का दिन है, जो आपकी महत्वाकांक्षा को जगाएगा, सफलता कामयाबी का सुंदर योग बनाएगा। तो दिन आपके लिए बेहतर है। आज राहु काल सुबह 12:08 से 1:13 तक राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज पूरब दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 7 होगा। अमृत काल 11:26 है। अभिजीत मुहूर्त 12:13, विजय मुहूर्त 2:26 बहुत ही शुभ होगा। दिन आपके लिए तरक्की सुख सौभाग्य लेकर आया है। भाग्य आपका अच्छा है। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।